सर हाई कोर्ट का आदेश पुलिस द्वारा मैडम बंद कर दिया पहले इन्होंने हमें 3 मंथ की एक्सटेंशन दी, फिर से हमें 3 मंथ के बाद हमें टर्मिनेशन लेटर निकाला हमारा, इन्होंने फिर से हमें टर्मिनेट कर दिया सर। बोलते हैं कि आपका कोविड ख़त्म है तो आप जाओ। एक बार हमें पूरा वो कर देना, मोदी साहब अनाउंस कर दे कि कोविड ख़त्म हो गया है, कि कोविड वॉरियर को निकाल दो या कुछ भी है। अभी तक कोविड ख़त्म नहीं हुआ, मास्क सब बच्चे डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्रिकॉशन, कोविड फिर से आ रहा है। अगर कल को बोल रहे हैं कि हमारे, ये इनका ये कहना है कि फंड्स नहीं है हमारे पास, फंड्स की वजह से हम आपको निकाल रहे हैं। अगर फंड्स नहीं है तो ये क्यों हमें वो कर रहे हैं, फंड्स की वजह से ये हमें निकाल रहे हैं यहाँ से। बोलते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। कल को अगर कोविड आता है क्या हमारे पास, इनके पास फिर से फंड्स नहीं होंगे हमारे पास हमें देने के लिए? हमने स्टे ऑर्डर भी लाया कोर्ट, हाई कोर्ट से, उन्होंने भी, प्रिंसिपल ने भी सीधा बोल दिया कि ये हम आपको ये नहीं मानते, आप जाओ एलजी सर के पास जाओ। लास्ट बंदा जब थक हार के बंदा कहाँ जाता है, हाई कोर्ट गए हम, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर लाया, तब भी प्रिंसिपल मैम ने हमें मना कर दिया कि हम ये ऑर्डर नहीं मानेंगे। लास्ट दरवाज़ा जो है वो अदालत का ही है ना, हमने वही खड़काया, वो भी हमें नहीं दे। अब क्या हम भगवान के पास जाएं अपनी वो मांगने के लिए? हम तो हैं कोविड वॉरियर्स। जब इतना हाई पीक पे कोविड था तब हम लोगों ने अपना दिन रात लगा के हम लोगों ने इनकी जान बचाई, तब हम लोगों को फूलों की ये माला पहनाते थे कि ये कोविड वॉरियर्स हैं, और आज इन्होंने हमें ये सड़कों पे बिठाया है। तो पहले एलजी सर आए थे, तब उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर हम एक रिक्रूटमेंट करेंगे, उसमें हम लोग आपको परमानेंट करेंगे या आपको डिसॉल्व करेंगे। लेकिन ना तो वो आश्वासन उन्होंने पोस्टर में निकाली, लेकिन उसमें क्या लिख दिया कि कंट्रैक्चुअल वाले उसमें फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। अब हमारे पास अगर यही जॉब है, हम लोग यहाँ अपनी जॉब चाहते हैं, हम नहीं चाहते हमें परमानेंट करो, हमें कंटिन्यू चाहिए। जो एनएचएम की पॉलिसी 2005 से चल रही है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को उसमें ये डिसॉल्व करें। ये फिर बोलते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। अगर इनके पास फंड्स नहीं होता तो ये हमें 2 बार एक्सटेंशन क्यों देते, वो इनके पास पैसा कहाँ से आया? लेकिन आज जब हम अपना हक मांग रहे हैं, इनके लिए कंटिन्यू मांग रहे हैं, तो आज इनके पास फंड नहीं है। लेकिन अगर सोचा जाए, अगर आज भी इस टाइम पे कोविड हाई पीक पे होता तो इनके पास फंड्स कहाँ से आता, तो हमारी सैलरियाँ कहाँ से निकलती? तब भी तो इन्होंने हमें सैलरियाँ देनी थी। हम लोग वही एम्प्लॉयज हैं जिन लोगों ने अपने घर बार छोड़े सिर्फ इनका, अपने हॉस्पिटलों के मरीजों को बचाने के लिए। आज हम लोगों ने इतना ज़्यादा कर दिया कि हम लोग सड़क पर बैठे हैं। हम लोग एलजी साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, और हमेशा यही, और वैसे भी इलेक्शंस आ रही है, हम लोग यही चाहते हैं कि हमें कंटिन्यू करें, हमें एनएचओ पॉलिसी जो 2005 की है हम लोगों को उसमें लगाया जाए। ये 1600 बच्चा था जिसमें से सिर्फ अभी 650 बचा रहा है, और जीएमसी में इतना स्टाफ नहीं है कि जीएमसी में जितने पेशेंट है वो हर स्टाफ नीड हो, यहाँ पे बहुत स्टाफ की नीड है। और इसलिए हमें कंटिन्यू करें, हमें अपनी अपनी जॉब दोबारा से मिले। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव से भी कोई गिला शिकवा नहीं है, हमें सिर्फ अपने 2 बार हमें एलजी सर ने ही हमारा जो भी किया, हम इस बार भी अपने एलजी सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें कंटिन्यू करें। 2 दिन के अंदर हमने स्टे भी लिया, लेकिन हमारे स्टे को भी कोई नहीं मान रहे, ये अदालत के उसको भी नहीं मान रहे। हम रिक्वेस्ट करें कि हमें कंटिन्यू किया जाए।